नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन आपने पहले हिंदी में पढ़ी है। नाउन मतलब होता है, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। देखो बच्चों, पर्सन क्या है? पर्सन मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम। प्लेस क्या है? प्लेस हो गया किसी स्थान का नाम। थिंग क्या है? वस्तु। क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका गुण क्या है, उसका खासियत क्या है उसके अंदर, वो उसकी क्वालिटी हो जाती है। कंडीशन उसकी दशा, उसकी हालात, उसकी हालत कैसी है। एंड एक्शन और उसका काम कैसा है। देखिए बच्चों, ये जो अब हिंदी में डेफिनेशन लिखी है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे अभी कुछ एग्जांपल लिखे हैं। देखो बच्चों, पर्सन, पर्सन का मतलब क्या है? किसी इंसान का नाम, जैसे कि राम। प्लेस, प्लेस क्या है? स्थान, जैसे कैथल। थिंग, थिंग मीन्स भी होता है वस्तु। वस्तु क्या होगी? जैसे आपकी पेन। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या, उसके अंदर क्या खासियत है, क्या गुण है उसका। जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्टी ईमानदारी होगी उसकी क्वालिटी। कंडीशन, कंडीशन क्या है? उसकी दशा, उसकी क्या हालत है। इलनेस, जैसे क्या है, वो बीमार है। इलनेस बीमारी, बीमारी की अवस्था होगी, उसकी बीमारी की दशा हो जाती है। एक्शन, एक्शन का मतलब क्या है? उसका काम, काम क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट क्या है? उसकी गति, उसकी चाल, उसको हम कहते हैं मूवमेंट। बच्चों, आगे नाउन जो है मेन टू टाइप्स के होते हैं, लेकिन आगे उनके भी पार्ट्स हैं। देखिए, नंबर वन है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। लिखा है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा का मतलब है जिनको हम गिन सकते हैं। नंबर टू है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? उनको बोलेंगे अगणनीय संज्ञा, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कुछ या मुट्ठी भर आदि ऐसे। अब देखिए बच्चों, अब काउंटेबल नाउन के आगे तीन पार्ट्स हैं, तीन टाइप्स के आगे। नंबर वन है प्रॉपर नाउन, नंबर टू है कॉमन नाउन, नंबर थ्री है कलेक्टिव नाउन। देखिए बच्चों, मैंने हिंदी में भी लिखा है इसको। प्रॉपर नाउन आपने हिंदी में पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति या समूह का जो हमें ज्ञान करवाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। नंबर थ्री है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जो चीज समूह में होती है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब देखिए बच्चों, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जो है, इसके टू पार्ट्स हैं, यानी कि टू टाइप्स के हैं ये। नंबर वन है मटेरियल नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि कोई जो तरल चीज को, किसी चीज को दिखाए आपको, वो द्रव्य होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये आपने हिंदी में नाम सुने होंगे बच्चों। अब देखिए, ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम किसको कहते हैं इंग्लिश में, इसकी क्या डेफिनेशन है? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्या है नाउन विच डिनोट्स? ऐसी नाउन, ऐसी संज्ञा जो हमें डिनोट्स दिखाती है एक प्रॉपर पर्सन, एक खास व्यक्ति, अब खास स्थान और एक किसी खास चीज, किसी वस्तु के बारे में बताती है या दिखाती है। जैसे अजीत किसी का प्रॉपर नेम हो गया, नीलू ये भी किसी का नाम है, चीका, कैथल ये क्या हो गए? प्लेस नेम, चीका और कैथल। अब थिंग नेम क्या है? जैसे गीता, गीता क्या है? हिंदुओं की एक पवित्र पुस्तक का नाम है। यहाँ पे गीता नाम नहीं है, किसी बुक का नाम है, गीता और बाइबल। तो ये क्या आ जाती है आपकी? थिंग के अंदर आ जाती है। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर नाउन। अब सेकंड नंबर पर है आपका कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन किसको कहते हैं हम, देखिए, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अब कॉमन, कॉमन पर्सन का मतलब क्या है? कॉमन पर्सन, जैसे देखिए मैन। मैन क्या है बच्चों? मैन जो है एक पूरी आदम जाति को इशारा करता है, जैसे जितने भी पुरुष जाति है वो सारी मैन के अंदर आ जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन, कॉमन नाउन। अब जैसे वुमेन है, वुमेन के अंदर हर टाइप की औरत आ जाती है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लेडीज है, सारी, तो सारा क्या है वो उसके अंदर वुमेन जाति, यानी कि औरत जाति की को दिखाती है, इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन है। स्कूल, स्कूल क्या है बच्चों? देखो, ग्रुप है ये, समूह है। अब स्कूल में आपको पता ही है, अलग अलग स्कूलों के नाम को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन स्कूल तो सभी स्कूल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे?
कॉमन नाउन। अब देखो बुक है बच्चों, अब कह दिया कि बुक्स, अपनी बुक्स निकालो आप, बुक का मतलब अगर तो प्रॉपर बुक का नाम लेके कहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बुक क्या है, स्मूथ, उसके अंदर सारी बुक्स आ जाती हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन। ऐसे ही टेबल है, टेबल के अंदर क्या है, छोटा बड़ा कुछ देखो, कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो जितने भी टेबल है, जितने भी टाइप के टेबल है, वो सारे आपके क्या आ जाएंगे, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल होंगे। बच्चों देखिए थर्ड नंबर पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्संस एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी संज्ञा विच डिनोट, जो कि दिखाती है आपको अ ग्रुप ऑफ पर्संस, व्यक्तियों का एक समूह को, और कलेक्शन ऑफ थिंग्स वस्तुओं के एक संग्रह को, वस्तुओं के एक समूह को। फॉर एग्जाम्पल देखिए अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों की एक टीम, हम उसको बोलते हैं टीम, तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक कक्षा, जैसे हम कह देते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी, तो वो क्या हो जाती है, आपकी पूरी क्लास हो जाती है, वो क्या आप की क्या हो जाती है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा, तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स यानी कि जिसको क्या कहते हैं, पुस्तकालय, किताबों का एक संग्रहालय या पुस्तकालय, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, तो वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये सारे क्या है, ये कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। अब है आपकी सेकंड टाइप्स की, जो मैं बताई थी अभी आपको, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल हम किसको कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जैसे द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसी नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कॉफी एक्सेट्रा। बच्चों देखो क्या हम इनको गिन सकते हैं, एक सोना, दो सोना, या एक चांदी, दो चांदी, या एक, क्या है, इनका मेजरमेंट तो कर सकते हैं हम, लेकिन इनकी गिनती नहीं कर सकते, माप सकते हैं हम इनको लेकिन गिनती नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन भी हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन है मेटीरियल नाउन। मेटीरियल क्या है, कोई भौतिक वस्तु जो है उसको हम क्या कहते हैं, मेटीरियल नाउन। जैसे द नाउन विच डिनोट्स मेटीरियल्स, ऐसी नाउन जो क्या हमें दिखाती है, भौतिक वस्तुओं के बारे में हमें दिखाती है, ये बताती है। जैसे एग्जाम्पल है कॉपर, कॉपर क्या है, कॉपर जो है एक मेटल है, कॉपर, टी जैसे चाय, घी एक्सेट्रा, तो ये क्या है, ये आपके मेटीरियल नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। अब है उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्वालिटी मैंने आपको अभी बताया था कि गुण कैसा है उसका, गुण उसके अंदर क्या खासियत है, उसको हम कहते हैं क्वालिटी। कंडीशन उसकी हालत कैसी है, उसकी दशा कैसी है। एक्शन उसका काम कैसा है, तो देखिए एग्जाम्पल है इसके विजडम। विजडम क्या है, बुद्धिमानी, यानी कि उसकी क्वालिटी होगी कि वो बच्चा जैसे बहुत बुद्धिमान है, तो विजडम क्या होगी उसकी क्वालिटी। ब्रेवरी बहादुरी, ये भी उसकी क्वालिटी का एग्जाम्पल है। चाइल्डहुड बचपन, कैसा था उसका बचपन, अच्छा था या बुरा था, तो बचपन क्या होगी उसकी कंडीशन, जब वो बच्चा था, तो कंडीशन का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद है थेफ्ट। थेफ्ट क्या, किसी ने चोरी की, तो चोरी क्या हो गया उसका काम, एक्शन हो जाता है, एक्शन क्या हो गया थेफ्ट। ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, सच्चाई, सच्चाई भी क्या है, वो अपनी सच्चाई पे जैसे अड़ी है, तो वो भी क्या हो जाता है आपका, एक एक्शन हो जाता है। बच्चों थैंक यू, बच्चों हैव अ नाइस डे।